यहाँ पर अगर हम लोग सरकार आई तब तो ये गोलवर्ड में जमीन खोलने में ये क्या नाम है परिसर वाला में जमीन आपको मिल जाए। इसमें कोई यहाँ भी मोटा मोटी जो यहाँ भी जो मोटा मोटी स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी है प्रधान सचिव वगैरह वो सब ये बात समझ गए, हमारी बात हुई है, जो पदाधिकारी हमारे साथ काम किए अभी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव तो ये बात समझ गए। तो उनका कहना था कि सर इसको अगर ये हम लोग शांति से करा लें, अगर जोर जबरदस्ती से करेंगे तो आप मुख्यमंत्री जी को जानते हैं वो और जाए फिर कभी नहीं, अभी इसको होने दीजिए कि हम क्या करेंगे उसके बाद जाएंगे मुख्यमंत्री के पास। यूनिवर्सिटी में दिक्कत है, ये हम लोग वहाँ जो जमीन दे रहे हैं ये यूनिवर्सिटी को हम इसमें दे देते हैं और एग्रीकल्चर वाले को उतना ही जमीन जबकि वहाँ दे देंगे कोयलवर में उससे तो किसी को तो कोई हानि नहीं है। तो उन्होंने हमको बताया है कि हाँ साहब तो हम ये कर दें आश्वासन दिया, ये तो हो गया। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बिहार के सुनिए ना कोयलवर में अगर नहीं बिहार के नहीं रहेंगे तो हमने खरीद दिया। हमारी सरकार स्थिति है आम जनमानस की इसके हिसाब से आपको भी आकलन लगाना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहने वाले हैं। अच्छी बात है ना, लेकिन अगर आगे अगर आइए आगे पर गला रहे हैं अगर हमारी सरकार आ गई तो हम कार्रवाई लेंगे ना। ये सरकार तो अभी कितने दिन पहले आई मेडिकल कॉलेज आप केंद्रीय विद्यालय बनाना कितना दिन हुआ, केंद्रीय विद्यालय जो बना है उसके बदले भी जमीन आज तक मिला क्या? रेलवे विभाग ने जो यूनिवर्सिटी का जमीन लिया मेरे पास कागज ये जो नया वाला पुल बना है जीरो माइल वाला उसमें सर्विस विद्यालय का जमीन कोयलवर में ही कोयलवर में जो रेलवे ट्रेन गया है सासाराम का रूट जो है उसमें भी यूनिवर्सिटी का जमीन लोग लिया है और बजाते मेरे पास डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट हुआ है इसके बदले आपको भूमि उपलब्ध कराएंगे पश्चिम की आज तक नहीं मिला। इस प्रत्याशा में आप जो कह रहे हैं कि बनने दिया जाए और वहाँ मिल जाएगा इसके क्या गारंटी है कि कोयलवर का माध्यमिक विद्यालय टूटा है आज तक वो बना है? बन रहा है बताइए सर। आप भारत सरकार में मंत्री अगर आप चाहेंगे तो किसी भी प्रकार जमीन आराम से मिल जाएगा आसानी से मिल जाएगा उस विद्यालय। आप बताइए कोयलवर का जो हाई स्कूल है आज तक बना क्या? ये जमीन किसकी है? वो अगर यूज नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कृषि विभाग को चला जाएगा। कृषि विभाग की भूमि है बिहार सरकार हो गया है बिहार सरकार की। हाँ जैसे क्या है कि स्काडा पहले लिया हुआ था भारत सरकार का था लेकिन वो एग्रीमेंट था कि अगर इस भूमि का अगर उपयोग नहीं होगा तो स्वतः कृषि विभाग की भूमि हो जाएगी तो कृषि विभाग की भूमि हो गई है। लेकिन 2007 में कैबिनेट उसमें बीजेपी की सरकार थी कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग की भूमि बिहार में जहाँ भूमि है उस भूमि को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। लेकिन जब इस विश्वविद्यालय को देने की बात है तो फिर से कैबिनेट निर्णय ले सकता है और हम लोग के लिए अच्छा संकेत है कि शिक्षा विभाग का जो सचिव है चुम्बा कोई करके उनका नाम है उन्होंने पत्र लिखा है आपको उसी भी जीरो माइल हमने कहा था पत्र आया है लेकिन अभी तक जिला अधिकारी महोदय यहाँ से भेजे नहीं और जिला अधिकारी का जब मैंने विरोध किया वहाँ जीरो माइल उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आके हमसे मिलो जी लेकिन फोन नहीं उठाते हैं तो हम लोग बंधुआ मजदूर है क्या? अभी कहे थे कि हम यहाँ से जाने के बाद जिला अधिकारी से मौजूद जिला अधिकारी ने उस लेटर का जवाब नहीं दिए क्योंकि शिक्षा विभाग का लेटर आया है स्पष्ट रूप से उसमें लिखा गया है यूनिवर्सिटी का जो कचरा भूमि है कृषि विभाग इसका आवंटन करने के लिए यहाँ से प्रपोजल शिक्षा विभाग का लेटर आया है उसका जवाब यहाँ पर क्या करा वो आज तक नहीं हुआ। हम लोग का कोई ये नहीं है कि मेडिकल अपना जमीन नहीं चाहते हैं ये नहीं चाहते कि मेडिकल पैदा करें हम लोग का कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कुछ नहीं ऐसा उम्र फैलाया जा रहा है ना कि ऐसा है। आप अगर आप कभी मधुबनी जाएंगे वहाँ विश्वविद्यालय का स्थिति देखिएगा अगर मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा सर मेडिकल कॉलेज चाहिए मेडिकल कॉलेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं लेकिन 1,70,000 छात्रों के बारे में आपका भी सोचने का उनके नहीं मेडिकल कॉलेज स्वागत योग्य आपको हम लोग बधाई देते हैं कि आपने इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज भोजपुर की धरती पे लाया है
लेकिन दुर्भाग्य तब भी होता है कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज जब शहर के बीचों बीच बना है, वो भी एक दुर्भाग्य का विषय है। इस कॉलेज इतना छोटा इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं माननीय मंत्री जी हमने नहीं देखा है। लेकिन वो जो मार्केट जमीन अक्वायर करना है, ये जब की फोर लेन बनना शुरू हुआ तो उसके बाद ऐसे ही आंदोलन हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज अगर जगदीशपुर बन जाती तो क्या कठिनाई होता? उसके बाद किसान लोग भी आंदोलन करेंगे। हमने कहा कि देखिए सर, मुआवजा तय करना ये एक कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के अंदर तय होगा। काय हटाओ भैया, काय हटाओ, काय हटाओ, हटा पीछे हटाओ।